बारिश के लिए तो फटाफट से बारिश कभी भी हो सकती है। जब भी यहाँ पर बारिश होने लगती है हिमाचल में तो बारिशें होती रहती है बड़े दिनों के बाद, मतलब तो मतलब कम से कम 3-4 महीनों के बाद बारिश हुई। जब लास्ट बारिश हुई थी तो उसके बाद अभी जाके हुई बारिश। तो मटर वाला मैंने खाली कर दिया था और साथ में लहसुन, तो लहसुन भी निकालना है मैंने, आज निकालूंगी या कल तो निकाल ही दूंगी। और ये हुआ था बीच बीच में शलगम, तो शलगम भी खाने लायक है ही। ऐसी सब्जी तो नहीं इसकी अच्छी बनेगी शायद, पर खाने के लिए ऐसी टेस्टी लग रही थी, ऐसे ही खाए थे, बीच बीच में थे तो अब मैं निकाल भी दूंगी इनको। और अब अच्छा हुआ जो बारिश हो गई, क्योंकि बारिश की बूंदों ने धरती को छू लिया तो धरती पर जो इंद्र भगवान की जो बूंदें पड़ती है उसकी कोई जो है मतलब उसकी बराबरी नहीं कर सकती कोई भी चीज़। तो बहुत अच्छे से बारिश हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बस एक ही नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का ओलावृष्टि से। और बारिश होनी चाहिए हल्की फुल्की तो ताकि सिंचाई करने की आवश्यकता ना रहे किसी को भी। और देखिए अब हरे भरा खेत लग रहा है, लेकिन आलू उसमें फिर बहुत कम लगे, निचली तरफ को तो बहुत ही कम लगे इसमें, मतलब कहीं 2 आलू लगे हैं एक बूटे में, कहीं 2 लगे, कहीं 3, कहीं 4, बस ऐसे इससे ज़्यादा नहीं लगे। बाकी यहाँ तो मेरे ख्याल ठीक ही है क्योंकि इसकी गुड़ाई टाइम से हो गई थी तो इसलिए। और यहाँ देखिए परे गेहूँ का खेत था, वो खाली हो गया है, खाली इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर गेहूँ की कटाई हो चुकी है और निकाल दी है लोगों ने, लोगों की जो है गेहूँ की कटाई हुई थी और की भी थी,
तो वो भीग गई कनक सबकी, तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, लेकिन ऐसे ही कि बारिश हो गई तो वो अच्छा हुआ सभी के लिए।